सेक्टर 10 सेंट्रल एवेन्यू में हर घर गंगे एवं जनसेवा समिति के द्वारा दुर्गा उत्सव और पर्व मनाया जा रहा है। रोजाना यहां हजारों श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। सेक्टर 10 सेंट्रल एवेन्यू मार्ग पर भव्यता से दुर्गोत्सव पर्व मनाया जा रहा है। हर हर गंगे दुर्गोत्सव समिति एवं जनसेवा समिति के संयुक्त तत्वावधान में विशाल प्रतिमा माता दुर्गा की स्थापित की गई है। साथ ही साथ जो जवारे का भी आयोजन किया जा रहा है। इसके साथ ही झांकियों में हॉरर भूत बंगला झांकी आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। रोजाना माता रानी का दर्शन करने व आशीर्वाद लेने श्रद्धालुओं की भीड़ यहाँ पहुँच रही है। आयोजकों ने आयोजन को लेकर जानकारी दी। आज का दिन विशेष है। आज नौ दुर्गे माता में आज पंचमी के दिन माता स्कंद माता की पूजा की गई है। स्कंद माता भगवान कार्तिक के माता है, इसलिए माता का स्कंद माता का नाम दिया गया है। स्कंद माता से हम लोग यही प्रार्थना करते हैं, और इस जग की माता है वो माता सबको सुख संपत्ति शांति और जग का कल्याण करने के लिए माता से ये कामना करते हैं। हमारा तो ये कार्यक्रम है कि हर दिन अच्छे से भव्य पूजा होगी। जिस दिन जवारा विसर्जन होगा उस दिन में हमारे सुबह से लगभग 11 बजे से हम लोग जवारा विसर्जन के निकलेंगे। साथ में भोग का कार्यक्रम भी रहेगा। उस दिन हम लोग कम से कम 500 लोगों को खाना खिलाएंगे, और हमारा टारगेट है कम से कम नहीं तो 1500 लोगों को खाना खिलाना उस विसर्जन के पहले। मैं यही अपील करना चाहता हूँ कि सभी माता की आराधना करें और भगवान सबको सुख संपत्ति और सब कुछ प्रदान करे और शांति का वातावरण बनाए रखे। आज माता का पंचमी का पूजा अर्चना हुआ, और उसके बाद हमारा ये सातवां साल है
और पिछले 7 साल से हमारी कमेटी के जितने भी समिति के सदस्य हैं काफ़ी लंबे समय से समिति को आगे पुश करने की कोशिश करते जा रहे हैं, इसीलिए स्पेशल इस बार हम लोग ये झांकी रखा गया है जिसमें भूत बंगला काफ़ी आकर्षित है और काफ़ी भिलाई के सभी लोगों को काफ़ी पसंद आ रहा है, काफ़ी अच्छी भीड़ है। मैं दर्शकों से यही कहना चाहूँगा भिलाई के लोगों को पहली बार भिलाई में इस टाइप से झांकी रखा गया है और देखने लायक है, काफ़ी अट्रैक्टिव है और लोगों को पसंद भी बहुत आ रहा है, लोगों को देखना भी चाहिए। आर्ट के पैरामीटर में अगर देखा जाए जिस तरीके से उन्होंने आर्ट किया है, आर्टिस्ट का सम्मान होना चाहिए। व्यू एंड बहरहाल इन 4 दिनों के अंतराल भोग भंडारे के साथ विभिन्न आयोजन भी किए जाएंगे। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए शाहिन खान की रिपोर्ट।